वेलकम माय डियर चैनल फिलहाल प्रोग्राम में आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे बी ए के अंदर यानी कि डिजाइन एंड एनालिसिस को साल के अंदर रेफरेंस रेफरेंस हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिजाइन ऑफ एनालिसिस के अंदर। हम लोग इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास ये टॉपिक होता है बेसिकली। तो पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग पढ़ते हैं रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? व्हेन एन एल्गोरिथम कंटेन अ रिकर्सिव कॉल टू इटसेल्फ, यानी कि कोई भी अगर एल्गोरिथम हो वो अपने आप को कॉल करे रिकर्सिवली तो वो हमारे पास क्या होता है रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम लोग लूप्स का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो लूप्स क्या करती हैं, किसी चीज को हम लोग सम करते हैं, किसी को वैल्यू ऐड करते हैं, नंबर्स प्रिंट करवाते हैं, वो बार बार नंबर जो प्रिंट होते हैं यानी इटसेल्फ जो है रिपीट हो रहा है वो हमारे पास बेसिकली होता है रेफरेंस। सेम एज इट इसी तरह हमारे पास इसके अंदर भी है व्हेन एन एल्गोरिथम कंटेन अ रिकर्सिव कॉल टू इटसेल्फ, हमारे पास जो भी रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करे वो हमारे पास रेफरेंस होता है। और इसका रनिंग टाइम जो हमारे हम लोग जो डिस्क्राइब करते हैं रेफरेंस इक्वेशन से। कोई भी फंक्शन, कोई भी लूप, कोई भी एल्गोरिथम जो बार बार रिपीट हो अपने आप को कॉल करे वो हमारे पास होता है रेफरेंस। और उस रेफरेंस को हम लोग जो है रेफरेंस इक्वेशन से उसका टाइम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? हमारे पास है मर्ज सॉर्ट। अब ये मर्ज सॉर्ट क्या होता है ये भी हम लोग आने वाले इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास हो गया मर्ज सॉर्ट। जिस तरह मैंने ये मर्ज सॉर्ट के फॉर एग्जाम्पल टाइम लिखा हुआ कि अगर मर्ज सॉर्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन हो तो एटलीस्ट एक मिनट टाइम तो वो लेगा इफ अगर एन एन टाइम वन हो, यानी एक बार अगर वो रन करे तो हमारे पास वन टाइम तो जरूर लेगा। मर्ज सॉर्ट बेसिकली हमारे पास ये होती है कि हमारे पास कुछ अनऑर्डर्ड नंबर लिखे हो अगर फॉर एग्जाम्पल टू और थ्री, इसको सॉर्ट करने का एक मेथड होता है मर्ज सॉर्ट के अंदर। वो किस तरह से होता है वो हम लोग जो है आने वाले अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। यानी कि वो ये कह रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर रेफरेंस के अंदर कि अगर इस इक्वेशन को इस अनसॉर्टेड को सॉर्टेड में कन्वर्ट करें तो ये उसका रेफरेंस बनेगा। जिस तरह अगर एक बार वो एग्जीक्यूट करे इसका फेस एक बार करे तो उसके लिए एक होगा, अगर एक से ज़्यादा टाइम वो ले यानी कि हमारी इक्वेशन बड़ी हो जाए एक से ज़्यादा टाइम ले मर्ज सॉर्ट के अंदर फिर हमारे पास उसका रेफरेंस हमारे पास ये बन जाएगा। यानी कि टू टी एन बाई टू प्लस एन, एन कोई भी नंबर हो सकते हैं यानी कि नंबरी नंबर ऑफ टाइम्स। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग मर्ज सॉर्ट को पढ़ेंगे। अब जैसे कि एक फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरह मैंने ये लिखी हुई है, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है कि हम लोग इसका सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे। टाइम फाइंड करने के बाद इसकी रेफरेंस इक्वेशन बनाएंगे कि रेफरेंस इक्वेशन किस तरह से लोग बनाते हैं। हमें पता है कि इफ जो है हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है, हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूल्स पढ़े हुए हैं कि सिंगल स्टेटमेंट कितना टाइम लेता है। सिंगल स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो वन लेता है। इस फंक्शन को हम लोग जो है वो टी एन इक्वल रख लेंगे, इक्वल टू टी एन कर लेंगे। हमारे पास इफ जो है वो सिंगल टाइम लेता है, उसके बाद प्रिंट एन ये भी सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट कितना कितना टाइम लेगी वन। अब हमारे पास सम है तो सम का हम लोग टाइम क्या निकालेंगे, ये हमारे पास बेसिकली एक रेकरेंस है। तो रेकरेंस किस तरह से पता चलता है कि हमारे पास रेकरेंस है? सम टाइम एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये रेकरेंस क्या है। जिसने हमारे पास इसका रेकरेंस जो हमारे पास ये पढ़ा है, रेकरेंस क्या होता है जिस जगह पर आपको एन माइनस वन एन डिवाइडेड बाय टू ये अगर किसी जगह पर लिखा हुआ नजर आ जाए आपको तो ये हमारे पास बेसिकली रेकरेंस होता है। अब इसका रेकरेंस क्या होगा? टी एन माइनस वन, यानी कि ये वैल्यू अपने आपको रिपीट कर रही है, बार बार अपने को जो कॉल कर रही है। अब हम लोग सेम ऐसे इन चीज़ों को कैलकुलेट कर देंगे। टी एन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टी एन माइनस वन प्लस टू, टू माइनस टू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा सी, क्योंकि हम लोग जो कॉन्स्टेंट लिखते हैं एन इक्वल टू एन माइनस वन प्लस सी, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, हमारे पास एक टाइम आ गया। अब हम लोग इसके रेफरेंस इक्वेशन बनानी है, वो किस तरह से बनाएंगे हम लोग? तो हम लोग जो है यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाएंगे। हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे टी एन इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अगर एटलीस्ट वन टाइम या जीरो टाइम हमारे पास अगर हमारी इक्वेशन जो है चलती है एन इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम अगर ये परफॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट वन मिनट टाइम तो उसका लाजमी ही आएगा जरूर। अगर एन से ज्यादा हो यानी कि एन जो है वो जीरो जो है ज्यादा वैल्यू हो तब क्या होगा, तब उसकी ये इक्वेशन टाइम आएगी। हम लोग लिखेंगे टी एन माइनस वन प्लस सी इफ हमारे पास एन जो है वो ग्रेटर देन हो जीरो से, यानी कि जीरो से अगर ग्रेटर देन हो तो हमारे पास उसका ये टाइम आएगा। तो मतलब उसका ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है फाइंड कर सकते हैं। तीसरा आप लोग जो है
अदर्स के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदर्स लूप्स के अंदर भी लगा के लूप्स का टाइम निकाले, टाइम निकाल के उसको टोटल करें, टोटल करने के बाद सेम एज इस क्वेश्चन को उठाकर जो आप लोग यहाँ पे लिखे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लूप का टाइम डिफरेंस निकलता है सिंपल लूप का, एरे के लूप का, नेस्टेड लूप का, इस तरह के सबके टाइम जो इस तरह से निकलते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। तो ये होता है सिंपल सा रेकरेंस जो अपने आप को बार बार कॉल करे, रिपीट करे, वो हमारे पास होता है रेकरेंस होता है। तो मित्रों आपको आज के लेक्चर में समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रेकरेंस के तीन मेथड होते हैं, वो मेथड कौन कौन से होते हैं वो हम लोग जो है आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब ही कर घंटी का आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।